इलेवन पॉइंट टू एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे अबाउट सर्कुलेट्री सिस्टम रिकॉल हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूवड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ लंग्स ड्यूरिंग एक्जलेशन कह रहा रिकॉल करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है वेस्ट मटेरियल है बॉडी से कैसे रिमूव हो रहा है थ्रू द लंग्स जब आप एक्जेल कर रहे हो देर आर ऑल्सो रिकॉल द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग द इजेशन और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसे रिमूव हो रहा है इट मीन्स यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं लेट एस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटीरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी अब हम बात कर रहे हैं कि जो वेस्ट मटीरियल है हमारे बॉडी से वो कैसे मूव आउट हो रहे यू मे वंडर वेयर दीज अनवॉन्टेड मटीरियल्स कम फ्रॉम ये जो अनवॉन्टेड मटीरियल्स है ये कहाँ से आ रहे हैं तो कह रहा है व्हेन आर सेल परफॉर्म द फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज जब हमारा सेल्स क्या कर रहा है फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो कुछ वेस्ट मटेरियल क्या हो रहे हैं रिलीज हो रहे दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम आर बॉडी और ये जो वेस्ट मटेरियल है ये क्या है बच्चों टॉक्सिक है मीन्स हार्मफुल है और इसे बॉडी से रिमूव करना होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूज इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम इज कॉल्ड अ एक्सक्रीशन तो एक्सक्रीशन क्या हो गया इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सेल्स आर रिमूव फ्राम द बॉडी दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीट्री सिस्टम क्या बना रहा है जो भी पार्ट इन्वॉल्व है इन द एक्सक्रीशन दे फॉर्म अ एक्सक्रीट्री सिस्टम अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में क्या क्या प्रेजेंट है क्या क्या इंक्लूड करता है द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी जो वेस्ट है हमारे बॉडी में उसे कैसे ना कैसे करके रिमूव करना है हमारे बॉडी से हाउ कैन दिस बी डन ये आप कैसे करोगे अ मकैनिज़म टू फिल्टर अ ब्लड इज़ रिक्वायर इट मीन्स एक मैकेनिज़्म प्रेजेंट है ब्लड को फिल्टर करने के लिए दिस इज़ डन बाई अ ब्लड कैपिलरी इन द किडनी ये कैसे हो रहा है बच्चों किडनी में ब्लड कैपिलरीज प्रजेंट है उससे क्या हो रहा है प्योरीफाई हो रहा है इट मीन्स ब्लड क्या हो रहा है फिल्टर हो रहा है वैन द ब्लड रीच इज़ द टू किडनी जब ब्लड कहाँ रीच हो रहा है हमारे पास कितने किडनी है दो किडनी दैट इज़ लेफ्ट एंड राइट किडनी इट कंटेन्स बहुत यूज़फुल एंड हार्मफुल सब्सटांसिस तो जब किडनी के पास क्या हो रहा है ब्लड आ रहा है तो ब्लड के पास क्या हो गया बहुत यूज़फुल एंड हार्मफुल सब्सटांसिस दोनों हैं द यूजफुल सब्सटांस आर एब्जॉर्ब बैक इंटू द ब्लड जो यूजफुल सब्सटांसिज है वो तो दोबारा एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर रिमूवड एज यूरिन और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो गया वाटर में डिज़ोल्व होकर थ्रू यूरिन बाहर आ रहा है फ्राम द किडनी द यूरिन गोज़ इंटू अ यूरिनरी ब्लैडर अब क्या हो रहा है जो यूरिन है किडनी से कहाँ जा रहा है बच्चों इंटू अ यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर और वो कैसे जा रहा है ट्यूब लाइक like क्या है यूरेटर यहाँ देखिए ये किडनी हो गया ये यूरेटर के थ्रू कहाँ आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे यूरिन स्टोर हो रहा है आफ्टर डैट क्या दिख रहा है ये यूरेथ्रा दिख रहा है एंड दिस इज़ अ यूरिनरी ओपनिंग सो इलेवन पॉइंट सिक्स आपको क्या शो कर रहा है बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इट इज़ स्टोरड इन अ ब्लैडर एंड इज पास आउट थ्रू अ यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मसल ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा जो फिगर इलेवन पॉइंट सिक्स मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ तो ब्लड यूरिनरी जो यूरिन है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है इन अ यूरिनरी ब्लैडर और जब उसे क्या होना है जब रिमूव करना है तो ये कैसे रिमूव हो रहा है थ्रू यूरेथ्रा और उसका ये क्या हो गया जो टिप हो गया दिस इज़ अ यूरिनरी ओपनिंग द किडनी यूरेटर और कह रहा है द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा फम एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिल बन रहा है डेट इज़ अ किडनी यूरेटर ब्लैडर दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा ये देखिए किडनी देख लिया यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये क्या फॉर्म कर रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम को ये फॉर्म कर रहे हैं एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पासिस अबाउट वन टू वन पॉइंट एट लीटर ऑफ यूरिन जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है ये कितना यूरिन पास करते हैं अबाउट वन टू वन पॉइंट एट लीटर ऑफ यूरिन इन ट्वेंटी फोर आवर्स द यूरिन कंसिस्ट ऑफ नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर यूरिन में क्या है नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है और टू परसेंट यूरिया टू पॉइंट फाइव द अदर वेस्ट प्रोडक्ट तो देख रहे हो जो यूरिन का जो कॉम्पोजिशन है ये कैसे है अगर आपसे पूछता है यूरिन क्या क्या कंसिस्ट करता है सो वॉट यर गोइंग टू से दैट इज़ नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर टू पॉइंट फाइव परसेंट यूरिया टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट वी हैव ऑल एक्सपीरियंस डैट वी स्वेट ऑन हॉट समर डे हम सबको पता है और हमने एक्सपीरियंस भी किया है डैट गर्मी के टाइम पे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट और जो स्वेट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों वाटर प्रजेंट होता है एंड सॉल्ट प्रजेंट होता है बूज होज सीन दैट सम्स इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्मड इन आर क्लोथ्स कह रहा है स्पेशली इन द एरिया लाइक अंडर आर्म्स कह रहा है कि समर के टाइम पे कभी कभी क्या होता है कपड़ों में वाइट पैचेस आ जाते हैं मेनली कहाँ पे द एरिया अंडर अंडर आर्म्स दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय अ सॉल्ट प्रेजेंट इन अ स्वेट तो ये जो वाइट मार्क्स किसके बच्चों जो स्वेट प्रेजेंट है पसीना जो है ना पसीने में क्या प्रेजेंट है सॉल्ट प्रेजेंट है उसके कारण वाइट मार्क्स आ रहे हैं डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन क्या स्वेट का कोई बाकी फंक्शन भी है वीन और डैट द वॉटर कैप इन अर्दन पॉट डेट इज मटका इज कूलर हमें पता है जो वाटर रखते हो कहाँ पे मटका में रखते हो वो क्या होता है ठंडा रहता है दिस इज बिकॉज द वॉटर इवेपोरेट्स फ्राम द पोर्स ऑफ द पॉट तो ठंडा क्यों रहता है सो so डैट जो वाटर है ये इवेपोरेट्स हो जाता है फ्राम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉज़ कूलिंग तो इसके कारण क्या होती है कूलिंग होती है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आप वाटर रखते हो पॉट में तो वो ठंडा क्यों हो रहा है बिकॉज पॉट में जो पोर्स है वहाँ से वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है जिसके कारण वो ठंडा रह रहा है नेक्स्ट कह रहा है पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरीनेट क्या ह्यूम्स के साथ साथ बाकी एनिमल्स भी यूरीनेट कर रहे हैं पर यहाँ पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है पहले हम वो पढ़ लेते हैं द वे इन विच द वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्राम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड अपॉन द एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कह रहे हैं कि जो आप वेस्ट केमिकल जो रिमूव कर रहे हो फ्राम द बॉडी ये टोटली किस पर डिपेंड कर रहे हैं फ्राम इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशज एक्सक्रीट द सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्विन वाटर अब जो कह रहे हैं एकुटिक एनिमल जैसे जो फिशज हो गए ये क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं एज अ बेस्ट प्रोडक्ट डैट इज अमोनिया और जो कहाँ डिजोल्व हो, हो जा रहा है डायरेक्टली वो वाटर में जा कर डिज़ोल्व हो जा रहा है सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स या फिर लीजर्ट स्नैक एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड व्हाइट कलर कम्पाउंड डेट इज यूरिक एसिड पर जो टेरिस्टेरियल एटमीज जो लैंड पे रह रहे हैं जैसे क्या हो गए बर्ड्स लीजर्ट स्नैक्स हो गए ये सेमी सॉलिड एक्सक्रीट कर रहे हैं वाइट कलर कम्पाउंड जो कि क्या होता है यूरिक एसिड तो यहाँ से दो चीज़ें हमें समझ में आ रही है जो एक्वेटिक एनिमल जैसे फिशेज हो गए वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं और जो लैंड पर रह रहे हैं वो सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर रहे हैं डार्ट इज़ यूरिक एसिड द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया और ह्यूमन में मेजर जो प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये क्या है बच्चों यूरिया प्रेजेंट है समटाइम्स अ पर्सनस किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी कभी कभी क्या होता है जो ह्यूमंस में जो किडनी है वो क्या हो रहा है ड्यू टू सम इन्फेक्शन वो वर्क नहीं कर रहा एज अ रिजल्ट ऑफ़ किडनी फेलियर या तो किडनी फेलियर हो सकता है तो क्या हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्मलेटिंग इन द ब्लड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है तो क्या हो रहा है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है एक्ूमलेट हो रहे हैं कहाँ पर ब्लड में सच पर्सन के नॉट सर्वाइव अनलेस द ब्लड इज़ फिल्टर पीरियडिकली थ्रू अ आर्टिफिशियल किडनी और कह रहा है कि ऐसे टाइम पे जो इंसान है जो पर्सन है वो ज़्यादा दिन क्या हो सकता है ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक आप उसके ब्लड को फ़िल्टर नहीं करोगे और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे जो आर्टिफिशियली जो क्लीनिंग ऑफ ब्लड हो रहा है या फिर आप कह सकते हो फिल्टरिंग ऑफ ब्लड हो रहा है या आप कैसे कर रहे हो थ्रू अ प्रोसेस कॉल डायलिसिस नेक्स्ट कह रहा है सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी तो हमने देखा क्या कि जो अगर स्वेटिंग हो रही है उसके कारण भी क्या हो रहा है कूल cool हो रहा है ये किसका एग्जाम्पल से समझा रहा है आपको अर्द एन पॉट के एग्जाम्पल से नेक्स्ट इज इलेवन पॉइंट थ्री डेट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटांसिस इन प्लांट अब प्लांट में कैसे हो रहा है सबस्टांसिस का ट्रांसपोर्टेशन हमने ह्यूमन्स का तो देख लिया अब हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं इन चैप्टर वन यू लर्न डैट अ प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ सॉयल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स क्या हो रहा है हमने चैप्टर वन में क्या पढ़ा था बच्चों जो प्लांट क्या टेक कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स एज अ न्यूट्रींस कहाँ से सॉइल से और वो कहाँ पे रूट से लेके दूसरे पार्ट्स पे क्या हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और लीव्स क्या लीव्स का क्या फंक्शन है डैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फूड कैसे बाई यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर टेन डेट अ फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गैनिजम गेट अनर्जी बाई द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इवन हमने बच्चों चैप्टर टेन में क्या पढ़ा है डैट फूड क्या हो गया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और क्या कह रहा है कि जब भी फूड भी ब्रेकडाउन हो रहा है उससे हमें एनर्जी मिल रही है और जिसके कारण हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम अपने लाइफ के कर सकते हैं दे फो फूड मस्ट बी मेड एवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट मीन्स क्या हो गया फूड को मीन्स ईच एंड एवरी सेल तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हैव यू एवर वंडर हाउ वेस्ट एंड न्यूट्रींस एब्जॉर्ब बाई द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स कह रहे हैं कि क्या आपने कभी ऑब्जॉर्व किया या वर किया है कि कैसे वाटर एंड न्यूट्रींस क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहे हैं कहाँ से रूट से और वो ट्रांसपोर्टेड कहाँ तक जा रहे हैं लीव से कह रहा है हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स कैरे टू पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड कह रहा है और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो फूड बन रहा है कहाँ पे लीव्स में फॉर्मेशन हो रहा है फूड का वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे पहुँच रहा है सो so, ये सारे तो क्वेश्चन है अब पहला टॉपिक दे रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वाटर और मिनरल्स का क्या हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स प्लांट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों वाटर एंड मिनरल्स को एब्बॉर्ब कर रहा है कैसे बाई द रूट्स द रूट्स हैव रूट हेयर रूट्स के पास क्या होते हैं रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं द रूट हेयर इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रींस डिजॉल्व इन द वाटर सो रूट हेयर का क्या फंक्शन है ये इंक्रीज कर देता है किस चीज़ के लिए सर्फेस एरिया सो डैट मैक्सिमम एबजॉर्बशन ऑफ वाटर एंड जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो डिजॉल्व इन वाटर है उसको वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके द रूट हेयर इज़ इन द कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल और जो रूट हेयर है बच्चों वो किसके कॉन्टैक्ट में है इट इज़ कॉन्टैक्ट विद द वाटर जो कहाँ प्रेजेंट है बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स जैसे फिगर कहाँ दिखा रखा है एलेवन पॉइंट सेवन ए में यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ए में क्या दिखा रखा है सेक्शन ऑफ रूट ये आप देख सकते हैं दिस वन इज़ अ रूट हेयर ये क्या हो गया जाइलम जाइलम किस चीज़ में हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम अ रूट टू अ लीव्स अब ये रूट से बच्चों ये लीव्स तक कैसे पहुंच रहा है वाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रजेंट इन प्लांट प्लांट में किस टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रजेंट होता है सो so डैट जो वाटर है और जो न्यूट्रीन्स है रूट तो एबजॉर्ब कर रहा है लेकिन वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में कैसे पहुंच रहा है वो जो कह रहा है बूजो थिंग्स दैट अ प्लांट मे हैव अ पाइप टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन अ होम फॉर सप्लाई ऑफ वाटर बूजो कह रहे हैं क्या प्लांट के पास ऐसा तो नहीं है कि कोई पाइप हो जैसे हमारे घर में प्रेजेंट होता है सो डैट रूट से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में वो पहुँचा सके कह रहे वेल बूजो इज राइट बूजो सही है क्या है प्लांट हैव अ पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रींस फ्रॉम अ सॉयल क्या कह रहा है प्लांट्स के पास क्या है एक पाइप लाइक like क्या है बच्चों वेसल्स प्रेजेंट है ये हमने चैप्टर वन में भी पढ़ा था डैट वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रींस कहाँ से सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रींस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है कौन दैट इज पाइप लाइक वेसल्स द वेसल्स आर मेड ऑफ अ स्पेशल सेल अब ये वेसल्स किस चीज़ से बने हुए हैं बच्चों ये स्पेशल सेल से बने हुए फॉर्मिंग अ वैस्कुलर टिश्यू और ये क्या बना रहे हैं वैस्कुलर टिश्यू अब टिश्यू क्या है अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल डेट परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछता है टिश्यू क्या है तो टिश्यू के बारे में क्या बताओगे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल डेट परफॉर्म अ स्पेशलाइज फंक्शन ये स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है इन एन ऑर्गेनिज्म अब वैस्कुलर टिश्यू जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अ वैस्कुलर टिश्यू किस चीज़ में फॉर अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रींस इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम अब वैस्कुलर टिश्यू में बच्चों क्या प्रेजेंट है जाइलम है ठीक है और जाइलम का क्या फंक्शन है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट जिसको हम कहते हैं जाइलम फ़िगर एलेवन पॉइंट सेवन जो हम देख चुके हैं मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ यहाँ देखिए यहाँ जाइलम प्रेजेंट है ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है दोबारा से चलते हैं उसी स्लाइड पे फिगर देख लिया The xylem form a continuous network of a channel that connect the root to the leaves through the stem and the branches and thus transport the water to the entire part. तो so, एक तरफ से क्या कर रहा है जो xylem है ये continuous network form कर रहा है और वो किसको किसको connect कर रहा है Root को leaves से through the stem and branches means हर जगह से इसे connect कर रहा है और transport कर रहा है water to the entire part of the plant. Clear है बच्चों Next is पहली कह रही है पहली सेज़ ह मदर पुट अ लेडी फिंगर एंड द अदर वेजिटेबल इन अ वाटर इफ दे आ सम वोट ड्राई कह रहा है कि अगर वो थोड़ा सूख गए तो उसे कहाँ रख दो वाटर में रख दो क्या हो रहा है शी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर इंटू दैम तो वो जानना चाहती है कि जो वाटर है उसमें कैसे पहुँच रहा है कह रहा है यू नो डैट अ लीव सेंथसाइज फूड हमें पता है लीव्स क्या कर रहा है फूड को सेंथेसिस में हेल्प कर रहा है क्यों क्योंकि लीव्स के पास क्या है बच्चों क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथिस वो अब क्या कर रहे हैं फूड का सिंथिस कर रहे द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और फूड को क्या है जब फूड बनने के बाद क्या है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुँचाना भी है दिस इज़ डन बाई अ वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड अ फ्लोएम तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में कैसे पहुँच रहा है थ्रू अ वैस्कुलर टिश्यू डैट इज़ फ्लोएम तो फ्लोएम क्या कर रहा है फूड को ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है और जो जाइलम है ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है इट मीन्स आप ये कह सकते हो जो वैस्कुलर टिश्यू है ये दो टाइप के हो गए इज जाइलम जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और दूसरा क्या हो गया बच्चों फ्लोइम जो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है इज़ ट्रांसपोर्ट टू अ ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट किस चीज़ को फूड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है कह रहे हैं दायलम एंड फ्लोइम ट्रांसपोर्ट द सब्स्टांसिस इन प्लांट तो एक तरफ से हम कह सकते हैं डैट इज़ वैसकुलर टिश्यू मतलब क्या हो गया जायलम एंड फ्लोइम यह हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्स्टांसिस कहाँ पर इन प्लांट में एक एक्टिविटी दे रखी है बच्चों इलेवन पॉइंट थ्री इसमें क्या कह रहा है वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर हमें क्या चाहिए ग्लास टम्बलर चाहिए वाटर रेड इंक और टेंडर हर्ब जैसे यह बैल्सम ले लो एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी तो इन एक्टिविटी के लिए ये सारी चीज़ें आपको चाहिए पोर वाटर टू फिल वन थर्ड ऑफ द टम्बलर आपको पानी डालना है कितना वन थर्ड ऑफ द टम्बलर में एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू अ वाटर और वाटर में क्या ऐड करना है कुछ ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब्स एंड प्लेस इट इन अ ग्लास ए शोन इन फिगर और उसको कहाँ डालना है बेस ऑफ स्टेम को कट करना है हर्ब्स के और उसको क्या डालना है ग्लास पे आपको रख देना है ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे आप दूसरे दिन ऑब्जर्व करिए डज एनी पार्ट ऑफ हाव अपीयर रेड क्या कोई पार्ट रेड कलर अपीयर हो रहा है इफ़ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रिच इज देयर अगर ऐसा हो रहा है तो कलर वहाँ तक कैसे पहुँचा यू कैन कट द स्टेम ए एंड लुक फॉर अ रेड कलर इनसाइड द स्टेम आप स्टेम को कट करके देख सकते हो जैसे कहाँ दिखा रखा है फिगर इलेवन पॉइंट एट बी और सी में ये देखिए पहले तो आपने रख दिया स्टेम प्लेस्ड इन अ कलर वाटर उसके बाद बी में क्या देख रहे हैं जो स्टेम है इसको आप कट कर रहे हो तो ये सी में ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है डेट इज रेड कलर फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी डैट द वॉटर मूव्स अप द स्टेम क्या हो रहा है इस एक्टिविटी से आपको पता लग रहा है जो वाटर है मूव्स कैसे हो रहा है अब द स्टेम के पास पहुँच रहा है इन द अदर वर्ड द स्टेम कंडक्ट वाटर इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि स्टेम क्या कर रहा है वाटर के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजोल्व इन द वाटर ऑल्सो मूव अप टू द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर कह रहे जैसे इस एक्टिविटी में क्या देखा हमने वाटर में आपने रेड इंक को क्या किया था मिक्स किया था और आप क्या देख रहे हो नेक्स्ट डे डेस्ट स्टेम में रेड कलर दिख रहा है सो so, इसी तरीके से क्या है जो मिनरल्स है वाटर में डिजोल्व है और वो स्टेम के थ्रू क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है वाटर एंड मिनरल्स गो टू अ लीव्स एंड द अदर पार्ट्स प्लांट थ्रू अ नैरो ट्यूब जयलम इनसाइड द स्टेम तो एक तरफ से क्या हुआ स्टेम में क्या है एक नैरो ट्यूब से डैट इजलम ये क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है मिनरल्स एंड वाटर को पहुंचाने के लिए टुअर्ड्स द लीव्स सो दिस इज क्लियर कह रहा है बूजो वॉन्ट्स टू नो वाई प्लांट एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल दैन गिव इट ऑफ बाई ट्रांसपरेशन कह रहा है कि जो बूझों को डाउट है कि जो प्लांट uh, है ये क्या कर रहा है मैक्सिमम वाटर को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन और वो दोबारा से क्या होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो दोबारा उसे रिलीज भी कर देता है तो कह रहा है ट्रांसपिरेशन के बारे में पहले तो हमें ये देखना है कि ट्रांसपिरेशन है क्या सो so, ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जिसको हम क्या कह रहे हैं ट्रांसपिरेशन इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न दैट अ प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन ट्रांसपरेशन से क्या होता है बहुत सारा वाटर रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस ट्रांसपरेशन प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रींस एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल प्लांट क्या एबजॉर्ब कर रहा है मिनरल्स एंड न्यूट्रींस कहाँ से जो वाटर प्रजेंट है सॉयल में नॉट ऑल द वॉटर एब्जॉर्ब इट्स यूटिलाइज बाई प्लान्ट और कह रहे हैं जितने भी जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो प्लांट उससे यूटिलाइज नहीं कर रहा है द वॉटर इवेपरेट्स थ्रू द स्टोमाटर प्रजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीवस बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन और कह रहा है जो अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट उसे यूज नहीं कर रहा वो क्या हो रहा है जो वाटर है इवेपोरेट हो जा रहा है किसके थ्रू थ्रू द स्टोमाटर ऑन जो कहाँ प्रेजेंट है ऑन द सर्फेस ऑफ द लीवस और किस प्रोसेस से द प्रोसेस नोन हैज्रांसपिरेशन द इवेपोरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल द सेम एज़ यू प्रोड्यूस वेन यू सक द वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ विच कैन पुल वाटर टू अ ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज सो क्या हो गया ट्रांसपरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट तो जो बूझों का डाउट था कि जब प्लांट को इतना वाटर चाहिए ही नहीं होता है तो वो इतना वाटर को एब्जॉर्ब क्यों करता है और थ्रू ट्रांसपरेशन उससे क्या करता है वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में क्यों रिलीज़ करता है तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया डेट ट्रांसपरेशन क्या करता है प्लांट को कूल करने में हेल्प करता है तो बच्चों चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे कीवर्ड्स है इसे ध्यान रखना है भूलना नहीं है और चैप्टर आपको समझ में आया हो अच्छे से इजी लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए